मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉट टिप पॉइंटिंग अप डाउन एट 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0.35 गॉस डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.35। ओके, और अपने को यहाँ पे डीप एंगल दे रखा है। तो होता है क्या कि जैसे ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का नॉर्थ है, ठीक है, इस तरफ नॉर्थ है, और इसने क्या कर रखा है कि जो ये है ये डीप एंगल बना रहा है 22, यानी कि यहाँ से ये जो आपका मैग्नेट है ना वो इस तरह से है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एंगल के ऊपर है 22 डिग्री के ऊपर। तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये जैसे मान लेते हैं इसको मैं बोलता हूँ ये नॉर्थ है, तो यहाँ से नीचे की तरफ डाउनवर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये बी इस तरफ है, ठीक है, ये थीटा इस तरफ है। तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये बी एच इधर होगा और बी वी इधर होगा। तो बी एच अपने को गिवन है, तो बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बी ऑफ कोस थीटा, बी ऑफ कोस थीटा होता है ना, राइट, डीप एंगल है ये, तो हॉरिजॉन्टल बी ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, बी एच कोस बी कोस थीटा होगा। तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एच अपॉन कोस थीटा। तो बी एच कितना है 0.35 और कोस ऑफ 22 डिग्री, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.35 अपॉन 0.927 इज इक्वल टू आएगा 0.377। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0.3377 गॉस।